हाय, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि विंटर में बेबी को आप बेबी केयर कैसे कर सकते हो, आप बेबी का ध्यान कैसे रख सकते हो, और सुबह उठ के आप बेबी को क्या दे सकते हैं, और मतलब जो टिप्स मैं अपने बेबी के साथ ट्राई करती हूँ, जो मैंने ट्राई किए हुए हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। आप अपने बेबी को सुबह जब वो उठता है तो उस टाइम पे हल्का गुनगुना पानी दे सकते हैं। उसके थोड़े देर बाद आप अपने बेबी को, उसके कम से कम 15 मिनट 20 मिनट बाद आप अपने बेबी को दूध दे सकते हैं बिस्तर में ही। अगर बेबी आपका 1 साल से बड़ा है तो आप अपने बेबी को सुबह मॉर्निंग की जो धूप होती है, जो 10 बजे से 5 बजे तक की धूप होती है, वो आप अपने बच्चे को जरूर दिखाएं। क्योंकि बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि सर्दी के दिन आते हैं तो हम लोग बच्चों को बाहर ले जाने से डरते हैं, तो हम उनको अंदर रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो 10 बजे तक की 5 बजे तक की जो धूप होती है वो आप अपने बच्चे को जरूर दिखाएं। और जब आप अपने बच्चे को धूप दिखाते हैं और आप देखते हैं कि आज अच्छी खासी धूप है बाहर, तो आप उस टाइम पे अपने बेबी को बाहर नहला भी सकते हैं और उसकी धूप में मालिश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है बेबी के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि हमको वैसे घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, धूप लेने का टाइम नहीं मिलता, तो बेबी के बहाने, बेबी के केयर करने के बहाने हम लोग भी धूप ले लेते हैं। और उसके बाद आप अपने बेबी को फ्रूट्स या फिर कुछ भी खिलाना चाहते हो तो आप बाहर धूप में खिला सकते हैं। आप अपने बेबी के जब वो रात को सोता है, अगर आपको लगता है कि उसकी थोड़ी सी नाक बह रही है, उसको थोड़ा हल्का सा सर्दी जुकाम है, तो आप बेबी बाम आता है उसको आप अपने बेबी के पीठ पे अच्छे से मल लीजिए और थोड़ा सा उसके छाती पे लगा लीजिए, थोड़ा उसके कान के पीछे लगा लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। और आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं कि आप अपने बेबी को जब वो रात को सोता है, अगर उसको कुछ सर्दी जुकाम है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप अपने बेबी को एक एक चम्मच शहद में तुलसी का रस, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको पीस के अच्छे से उनका जो रस होता है उसको निचोड़ के वो आप अपने बेबी को दे सकते हैं। क्योंकि मैं अपने बेबी को देती हूँ, उससे कोई नुकसान नहीं होता। ये आप अपने बच्चे को एक से ऊपर, ये जो 1 साल से ऊपर के होते हैं उनको आप ही दे सकते हैं। तो मेरा बेबी 1 साल से ऊपर का है, मेरा बेबी अभी है तुम्हारे 13 महीने का, तो मैं उसको ही देती हूँ। आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।